Hello everyone, this is a quick update on Polycab Q2 FY22 result. आज सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए पॉलीकैब के, उसके ऊपर ये एक छोटा सा क्विक अपडेट है. लेट्स डायरेक्टली गो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने. रेवेन्यू स्टैंड्स एट 3,128 करोड़. अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए इट्स 3,100 करोड़ रेवेन्यू है ये क्वार्टर का. एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, 2,100 करोड़ था तकरीबन. तो आप समझ सकते हो ग्रोथ ऑफ 50%. 50% ग्रोथ है और इट्स इम्प्रेसिव. ऑल्दो मैं ये भी मानता हूं कि लास्ट ईयर का जो क्वार्टर सितंबर क्वार्टर है वो कुछ ऐसा कंपेरेबल नहीं है ये क्वार्टर से डायरेक्टली, बट तभी ऐसा पूरा भी लॉकडाउन नहीं था. व्हाट मतलब पूरा लास्ट जो 3 महीने थे वो के पूरा लॉकडाउन भी नहीं था. इट वाज ओके, आई मीन इट वाज फंक्शनल. थोड़ा एक बात, मार्च क्वार्टर का इनका जो रेवेन्यू था वो 2,900 करोड़ के आसपास था, उससे भी ये परफॉर्मेंस अच्छा है. मार्च क्वार्टर जो था, जैन फेब मार्च तीनों महीने वर्किंग थे 21 के, ये 21 के, सो दैट इज ऑल्सो कंपेरेबल. वो अच्छा क्वार्टर गया ये कंपनी के लिए. जून क्वार्टर में रेवेन्यू कम हुआ 1,800 करोड़ के आसपास, क्योंकि अपना सेकेंड वेव का लॉकडाउन था तो वो भी एक कंसर्न था. बट नाउ इफ यू लुक एट द बॉटम लाइन प्रॉफिट, 200 करोड़ है जो लास्ट ईयर से कम हुआ है 9-10%. दैट इज ओके, आई मीन दैट पॉइंट इज बीन हाईलाइटेड एवरीवेयर, बट इट्स ओके. प्रॉफिट मार्जिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टैंड्स अराउंड 6.5, 6.8% नेट प्रॉफिट मार्जिन, विच इज प्रिटी गुड. इट्स ओके. इनफैक्ट जून क्वार्टर में 4% था नेट प्रॉफिट मार्जिन, उससे तो अच्छा ही इंप्रूव हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है 6-6.5%. अभी इसका वजह यह है कि जो स्टील के प्राइस बढ़ रहे हैं, कॉपर के प्राइस बढ़ रहे हैं, हिंडाल्को स्टॉक बढ़ रहा है, टाटा स्टील बढ़ रहा है, तो ये सब अगर मेटल के भाव बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के भाव बढ़ेंगे, स्पेशलिटी केमिकल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोकेमिकल्स के भाव बढ़ेंगे, तो इसका असर तो रॉ मटेरियल पे आने वाला है. और यही वो ये केस में भी हुआ है. रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है. एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट में काफी वही चीजें डिस्कस की जा रही है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना सिग्निफिकेंटली स्टिपली राइज हो रहा है, तो इसका रिपरकेशंस आना ही है. पॉलीकैब के केस में भी इस रॉ मटेरियल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल इनका, फॉर्चुनेटली दे हैव सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ कॉपर, उससे थोड़ा इनको सपोर्ट मिलता है हमेशा. बट मार्जिन, इफ आई वॉन्ट टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस, आई वुड से 6.5, 6.8 या 7 के आसपास, 7% के आसपास जो मार्जिन है वो अच्छे ही मार्जिन है. आई मीन इट्स गुड, इट्स गुड. एंड कंपनी का वैल्यूएशन, इफ आई लुक एट द वैल्यू, आप ये गौर कीजिए, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस क्वार्टर 3,100 करोड़ अगर रेवेन्यू जून क्वार्टर का, अनफॉर्चुनेटली इट वॉज 1,800, वो लॉकडाउन की वजह से कम हुआ. अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है क्वार्टर में, अगले क्वार्टर्स में, वो डेफिनेटली द कंपनी विल बीट 10,000 करोड़ सेल्स जो इनका मार्क है. 10,000 करोड़ सेल्स, एनुअल सेल्स, डेफिनेटली दे विल क्रॉस दैट सेल्स फिगर कंफर्टेबली. रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से थोड़ा मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया है. मार्च क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास था, मार्च 21 क्वार्टर में. ऑफकोर्स इवन दो इट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर, बट यही वो कैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े वो रिफ्लेक्ट करता है. ये क्वार्टर में मार्जिन कम हुआ है, विच इंडिकेट्स एट राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइजेस. ओके, दैट वॉज बेसिकली ब्रीफ अपडेट अबाउट पॉलीकैब. आगे थोड़ा हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे पॉलीकैब के बारे में, बट ये ब्रॉड फाइनेंशियल डेटा यही है कि बेसिकली क्या कहाँ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इंक्रीज इन प्राइजेस.
ये आपके सामने एक इन्वेंट्री का फिगर में जो उन्होंने फाइल किया उसमें से ये पिक्चर आपके सामने जस्ट शोज द इन्वेंट्री स्टेटस मार्च क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का बहुत अच्छी तरह से कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। तो इस वजह से ये थोड़ा एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ यू लुक एट द रॉ मटेरियल कॉस्ट मार्च में रिलेटिवली ज्यादा था, ये अगर ये क्वार्टर से हम लोग देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस ये क्वार्टर में देखिए आप बढ़ा है। इट्स इंक्रीज्ड, सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिस पॉइंट आई वॉन्टेड टू हाईलाइट इज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 25, मोर देन 25%। फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री कंपनी के पास तकरीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज भी है कि इतना इन्वेंट्री है कि दे कैन फुलफिल द मार्केट। थोड़ा दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री होने की वजह से माल बिक नहीं रहा है, ये एक कंसर्न रेज होता है। तो इन्वेंट्री 1,000 करोड़ इज ओके व्हेन योर सेल्स आर लाइक इन द ब्रैकेट ऑफ 8 to 10,000 करोड़ ईयरली, तो 1,000 करोड़ इन्वेंट्री इज ओके। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ये सब ऐसा प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है कि उसमें इन्वेंट्री रखना भी जरूरी है, क्योंकि स्टॉक आउट होने से अच्छा है कि एक सर्टन इन्वेंट्री मेंटेन किया जाए। 800 करोड़ था मार्च में, इस बार 1,000 करोड़ के ऊपर है। सो दिस वॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस फैक्ट। थोड़ा इन्वेंट्री लेवल भी इनका अच्छा है तो मार्केट में नेक्स्ट दिस क्वार्टर भी मे बी एबल टू सी सम हेल्दी सेल्स फिगर। दिवाली का ही क्वार्टर है तो शायद इनका FMEG सेगमेंट, अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ सेगमेंटल रेवेन्यू में, बट डेफिनेटली द सेगमेंट इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एंड कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्टेनेबल है। आज 2,200 के आसपास कंपनी का स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इट वॉज अराउंड 40 कुछ दिनों पहले, अभी भी इट्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई वॉन्ट टू टेक अ कॉल, वैल्यूएशन इज इन लाइन विद द मार्केट एंड इट्स नॉट ओवर वैल्यूड कंपनी। कंपनी इज परफेक्टली वैल्यूड, थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डेफिनेटली नॉट ओवर वैल्यूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड रिलेटिव एंड लाइक माइंडेड पीपल, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट्स, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज @BreakevenPoint। थैंक यू।